नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी है। इसमें हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में सीखेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। माना y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। इस ग्राफ का पॉइंट ए ए कॉमा एफ ए है, पॉइंट बी ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच है, पॉइंट सी ए माइनस एच कॉमा एफ ऑफ ए माइनस एच है। अब यदि सीकेंट सी ए की स्लोप फाइंड करें तो यह एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस एच माइनस ए के बराबर होगा, जिसे सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। अब यदि एच टेंड्स टू जीरो है तो यह पॉइंट सी पॉइंट ए की तरफ मूव होगा, तो इस स्थिति में सीकेंट सी ए पॉइंट ए पर टैंजेंट बन जाएगा। इस स्थिति में पॉइंट ए पर टैंजेंट की स्लोप लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच के बराबर होगी। नेक्स्ट सीकेंट ए बी की स्लोप एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए के बराबर होगी, जिसे सिंप्लीफाई करने पर वी गेट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब यदि एच टेंडिंग टूवर्ड जीरो है तो पॉइंट बी विल टेंड टूवर्ड पॉइंट ए, तो इस स्थिति में सीकेंट बी ए पॉइंट ए पर टैंजेंट बन जाएगा। इसलिए पॉइंट ए पर टैंजेंट की स्लोप लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच के बराबर होगी। अब हम यहाँ देखें तो दोनों कंडीशन से प्राप्त पॉइंट ए पर टैंजेंट की स्लोप बराबर होनी चाहिए। दैट मीन्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच शुड बी इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। यही फंक्शन एफ एक्स के पॉइंट ए पर डिफरेंशिएबल होने की कंडीशन है। इसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एलएचडी कहते हैं तथा इसे राइट हैंड डेरिवेटिव और आरएचडी कहते हैं। फंक्शन के किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल एंड फाइनाइट होने चाहिए। एक फंक्शन एफ एक्स के ओपन इंटरवल ए टू बी में डिफरेंशिएबल होने का अर्थ है कि फंक्शन एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी में डिफरेंशिएबल है। इसी प्रकार एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए टू बी में डिफरेंशिएबल होने का अर्थ है कि ओपन इंटरवल ए टू बी के प्रत्येक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो तथा इंटरवल के एंड पॉइंट्स ए एन बी पर भी डिफरेंशिएबल हो। इसका मतलब है पॉइंट ए पर राइट हैंड डेरिवेटिव और पॉइंट बी पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइटली एग्जिस्ट करते हो। नेक्स्ट एक थ्योरम इस प्रकार से है कि यदि फंक्शन पॉइंट x इज इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है तब वह पॉइंट x इज इक्वल टू सी पर कंटिन्यूस भी होगा, जिसे आप इस प्रकार से प्रूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है परंतु प्रत्येक कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो यह आवश्यक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि फंक्शन डिफाइन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, जिसे आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं। अब यदि पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करें तो उसके लिए हमें एक्स इज इक्वल टू जीरो पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। जब हम x इज इक्वल टू जीरो पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो वह हमें माइनस वन के इक्वल प्राप्त होगा। सेम वे पर x इक्वल टू जीरो पर जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वह हमें वन के इक्वल प्राप्त होगा। हम यह देख सकते हैं कि यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, अतः x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन f डिफरेंशिएबल नहीं है। सो f इज नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। फंक्शन इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि दिया गया फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है तो वह उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। जो अभी हमने पढ़ा उसके लिए ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे।